दोस्तों सत श्री अकाल, की हाल ने जी। ते अच आई आ स्कॉर्पियो, ते दे आ लाइट आ रही है, चेक इंजन दी ते स्टार्ट नहीं हो रही। सब तो पहला इन करांगे स्कैन, ते चेक करांगे। स्कैन करनी जरूरी होंदी आ, ज़्यादा भज नठ नहीं करनी पैंदी इस नाल। ते स्कैन करके तुहानू दसदे आ की चक्कर है। तो जी वीडियो आ ये पूरी देखियो, दसांगे इस की चक्कर है तो किवें क्लीयर होंगे। ये अपने को लॉन्च का स्कैनर आ, इमोबलाइजर की लाइट आ जी, इमोबलाइजर करके स्टार्ट नहीं हो रही, चाबी मैच नहीं कर रही। ये सब तो पहला ये कोड क्लीयर करांगे। तो इमोबलाइजर का प्रेजेंट चा कोड, तो इमोबलाइजर से जाके इमोबलाइजर में स्कैन करांगे। तो इस भी जो हो गए क्लीयर। तो जरा इन वीडियो में स्किप ना करो, स्कॉर्पियो जाके करांगे स्कैन। इमोबलाइजर सिस्टम रजिस्ट्रेशन ते प्रोसैसिंग हो रही है, प्रोसैसिंग थोड़ी स्लो चलती है जी। तो चाबी गुम हो जाए या चाबी डिसकनैक्ट हो जाए उसके लिए है स्पैशल फंक्शन DTC। सब तो इनू अरेज इंजन DTC अनलॉक ECU, इनू एक दो बारी अरेज कर लो, अनलॉक कर लो। तो अरेज इमो DTC नू एक दो बारी अरेज कर लो। मेन चीज़ आऊ हूँ इमो SYNC ते क्लिक करना अपन, ते एक की है एक कर लो, दो आता दो कर लो। वैलिड की प्रेजेंट है एक, दो चाबियां ने तो दो ते कर लो। तो प्रोसैसिंग लै रही है, ओके हो गई। उसके तो बाद दोबारा चल रहा है, प्रोसैसिंग थोड़ी जी लेट चलती है जी, क्योंकि अपने सारा ही क्लीयर करके दोबारा हो गया। तो हूँ आऊ यदि मेन चीज़ जी समझने वाली आ। हाँ देखो जी, ये कह रहे हैं भी सारी चीज़ा पहला एक बार क्लीयर कर दो, कोड जिन्हें भी ने क्लीयर करके उस तो बाद अपने स्विच ऑफ करके दो मिनट ऑफ रखना, चाबी बारे कट लेनी है, तो कुछ नहीं करना यदा। तो उस तो बाद थोड़ी गड्डी स्टार्ट हो जूगी, प्रोग्रामिंग हो जूगी, तो गड्डी ओके हो जूगी। दो चाबियां मैच करनी ने दो कर दियो, तो चैनल नू कर लो सबसक्राइब, वीडियो नू कर दो लाइक। वीडियो देखने लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने लिए चैनल नू सब्सक्राइब जरूर कर लो।